रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल शेख की एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं हूँ फवाद अहमद शेख। अच्छा, जिस हिसाब से एक छोटी सी टिप, ये वीडियो इस बुनियाद पर बनाई जा रही है कि एक छोटी सी टिप दी जाए अपने तमाम कस्टमर्स को, ना सिर्फ कस्टमर्स को बल्कि उन तमाम यूज़र्स को जो परफ्यूम और फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं। देखें, इस वक्त शदीद गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी का ज़ोर है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं वो सिट्रसी जो परफ्यूम है जो टोटली सिट्रस बेस्ड हो उनको अवॉइड करें, क्योंकि जिस तेज़ गर्मी के अंदर इस वक्त सिट्रस जो है वो आपको फ्रेगरेंस के नोट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ता वक्त है कि उसके अंदर स्पाइस मौजूद ना हो, ता वक्त है कि उसके अंदर कोई मुखलत का टच ना हो, खस का टच ना हो, या कोई स्वीटनेस का हल्का सा टच ना हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिट्रस बेस्ड परफ्यूम या अतर वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना उसका टेस्ट जो है ना बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, यानी फील ही नहीं होगा, मतलब वो फ्रेगरेंस बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि या तो नेचुरल अतरियात यूज़ करें, नेचुरल अतरियात नो डाउट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो या फिर फ्लावर बेस्ड यूज़ कीजिए क्योंकि फ़्लावर के अंदर हल्की हल्की स्वीटनेस मौजूद होती है, या फिर ऐसे फ्रेगरेंस यूज़ कीजिए जिसके अंदर सिट्रस के साथ स्वीटनेस की अमेजिश हो, चाहे वो मुखलत हो या कुछ ऐसा कुछ भी हो, डिफरेंट हो, तो आपको जो है ना ये फ्रेगरेंस थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट भी रहेगी और ये भी होगा कि वो आपको फ़ील भी हो और आपके आसपास लोगों को फ़ील हो, वरना वो फ़ील नहीं होगी। बस एक छोटी सी टिप थी जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाह रहा था कि आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।